अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैंने तकरीबन 1.5 माह पहले कंपोस्ट के लिए, यानी कि जो किचन वेस्ट है और साथ में जो घर में होता है आपका जो रद्दी वाला सामान होता है ना, पेपर, उसको फिर मैंने कंपोस्ट के लिए इसको डाला था। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको मैंने यहाँ तक फिल किया था। इसकी एक लेयर मैंने सॉइल की लगाई थी, उसके बाद फिर ये पड़ा हुआ है मेरे पास जो घर में जो किचन का वेस्ट होता है उसको मैंने, मतलब उसकी एक लेयर लगाई थी, फिर उसके ऊपर साथ में ये मेरे पास जो घर में पेपर वगैरह होता है इसको मतलब छोटा छोटा करके उसकी फिर एक लेयर लगाई थी। उसके बाद से अब तकरीबन 1.5 महीने बाद मैंने इसको किया है, तो ये इस तरह मतलब चीज़ बन गई हुई है। और इसी तरह यानी कि किया था मैंने जब ये बिल्कुल खाली था, नीचे सॉइल वाली लगाई थी, उसके बाद फिर इसकी जैसे वेजिटेबल्स हो रही है जो किचन वेस्ट होता है उसको लगाया था, और उसके बाद फिर पेपर वाला लगाया था। फिर इस तरह जिस तरह वो लेयर बनती गई तो उसको मिक्स करके उसके बाद फिर इसी तरह ही ऊपर वाली लेयर लगाई, जैसे पेपर के ऊपर फिर थोड़ी सी इतनी तकरीबन कोई 1 से 2 इंच की सॉइल की लगाई, उसके बाद फिर वेजिटेबल की, फिर इसी तरह उसके ऊपर पेपर की। तो अब मतलब ये सीन बन गया हुआ। और ये जो है ये मैंने तकरीबन 1 हफ्ता पहले ही लगाया था, तो अभी इसका जो है वो इस तरह मतलब है, पेपर भी पड़ा हुआ है और इसमें मतलब वेजिटेबल्स की भी पार्ट्स हैं। तो ये मतलब मैंने अभी तैयार की है, तो अब उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसके अंदर थोड़े में, ताकि फिर इसको दोबारा मैं रिफिल करूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये वाला। तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं। तो फ़िलहाल जो सर यही मैंने अभी पहली दफ़ा घर में तैयार की थी। अच्छा, मैंने आपको बताना था कि किचन का जो वेस्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ मतलब आप इसमें डाल सकते हैं। उसमें एक तो ये हम घर में मोस्टली यूज़ करते हैं जो है अखबार वगैरह, इसको मतलब हम इसको छोटे टुकड़े करके हम इसको ड्राई वेस्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये आपका मतलब अंडे के छिलके हो गए, फ्रूट्स का जो मतलब उसके छिलके हो गए और सब्ज़ी के छिलके हो गए, इस तरह मतलब आपने वो चीज़ यूज़ करनी है जो कि सब्ज़ी वगैरह और से रिलेटेड हो। इसमें आपने गोश्त या रोटी वगैरह का कोई आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसकी स्मेल होती है। और लेकिन ये है कि ना, आप घर का जो वेस्ट है, इस तरह का जो आपने वेस्ट है वो आपने यूज़ करना है। उसमें ये है कि ना, एक तो इन्वायरमेंटली इसका बड़ा फ़ायदा है कि आप घर की चीज़ को ही आप यूज़ कर सकते हैं एज ए कंपोस्ट। और उसके बाद ये है कि ना, जब आप ये तैयार कर लेते हैं उसके बाद आप घर में आप इसको अपने गमलों में यूज़ कर सकते हैं। और आजकल जैसे ट्रेंड बना हुआ है कि आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, तो उसमें भी आप ये वाली सॉइल यूज़ कर ले तो इसका अच्छा होता है। तो अब इस तरह मतलब आपने चीज़ करनी है। अच्छा, इसमें ना मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी, ये मैंने प्लास्टिक के पाइप्स लगाए हैं इसके अंदर, मतलब एयर सर्कुलेशन के लिए। आप वैसे जब इसकी मतलब जब आप नई लेयर बनाने लगते हैं तब इसको आप पिछले वाली को इससे हिला सकते हैं किसी भी डंडे वगैरह से, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये भी लगा देते हैं तो ये भी ठीक है, एक आप पाइप मतलब इस तरह लगा दें और इस तरह लगा दें। इसमें मैंने सुराख किए हुए थे, तो ये है कि ना, इसमें से एयर पास आउट हो जाती है, जो मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो अभी मतलब इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तकरीबन सारा ही ये जो मट्टी है इसकी मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर ली हुई है। और ये देखें ना, ये इसमें अभी कुछ कागज़ वगैरह बचे हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि ये जब मैंने लास्ट टाइम डाले थे तो इनको अलग अलग नहीं किया था। नॉर्मली बाय ऐसे जैसे पेपर फाड़ के हम इसको रख देते हैं ना, तो इसलिए ये भी इसके अंदर जिनकी इस तरह बनी हुई थी तो वो अभी वैसे ही मौजूद है। तो उसको मैं निकाल के इसके अंदर डाल रहा हूँ, ताकि इसकी जब लेयर बनानी है तो उसमें फिर ये डिकम्पोज हो जाए। अब इसमें यह है कि ना, अब हम मैं आपको बता देता हूँ किस तरह बनानी है, किस तरह अपनी कंपोस्ट के लिए जो मटेरियल था उसकी किस तरह लेयर्स वगैरह बनाई थी। तो ये वाला मैंने गमला खाली कर लिया हुआ है,
तो उसमें ये है कि ना लास्ट में आपने जो मिट्टी है वो थोड़ी सी तकरीबन 1.5 से 2 इंच की रहने देनी है, और उसके बाद फिर आपने ना जो अपना है किचन का वेस्ट वो आपने इसको डालना है। ये भी तकरीबन हफ्ता 1.5 हो गया है उसका पड़ा हुआ है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ आपने इसको इस तरह करके डालना है जितना भी आपका है। और साथ में आपने जो ये पाइप्स हैं इनको भी आपने लगा देना ताकि एरेशन वगैरह हो तो उसमें आसानी होगी, इस तरह लग जाएगा। जी बोलो, इस तरह लग गए हैं। उसके बाद आप अपना जो भी वेस्ट है वो डाल दें। मोस्टली आप सुबह नाश्ते में वो जब पराठा वगैरह बनाते हैं उसके लिए अभी कागज़ वगैरह यूज़ करते हैं, टिश्यू यूज़ करते हैं, तो वो भी इसके अंदर यूज़ होगा। उसका यही है कि ना आपने इसको छोटा छोटा करके इसको आपने डालना है ताकि इसमें वो डिकम्पोज इजीली हो जाए उसकी, तो ये चीज़ आपने लाजमी कर लेनी है क्योंकि ये वाला जो वेस्ट है ना इसमें देखें अभी भी ये पड़ा हुआ है, मतलब ये पुराना था जो मैंने सबसे पहले वाले में डाला था, तो उसमें भी कागज़ बचा हुआ है, उसको आपने छोटा छोटा कर लेना है ताकि इसकी डिकम्पोजिशन इजीली हो जाए। अच्छा, ये मैंने ना अपना जितना भी वेस्ट पड़ा हुआ था घर का वो मैंने अब इसके अंदर जो है ना वेट वेस्ट वो मैंने डाल दिया, मतलब सब्जियां और फलों वगैरह के जो छिलके वगैरह होते हैं, अंडों के छिलके हो गए इस तरह, तो अब ये मैं जो ड्राई वेस्ट के तौर पर इसको मैं आप अखबार हो गया ये डाल रहा हूँ। और इसके नहीं, मतलब आपने पहले सॉइल की लेयर बनाई, उसके बाद आपने जो वेट वेस्ट है उसकी लेयर बना दी थी, तो अब आप देख रहे हैं कि मैं इसकी ड्राई वेस्ट की अब लेयर बना रहा हूँ। तो अब ये मतलब घर में जो भी रद्दी का होता है तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में कर लेंगे। आगे इजीली डीकम्पोज हो जाए। इसी तरह ही मतलब आपने लेयर्स बनाते रहना है, जैसे मतलब ये आपका थोड़ा सा वेस्ट इकट्ठा हो जाए 1-2 दिनों का, बल्कि आप रोज़ाना के हिसाब से भी डाल सकते हैं अगर आपका वेस्ट ज़्यादा है तो उसमें ये है कि ना आपने इसको ज़रा हिला के डालना है ताकि ये जो आपने इसको छोटे छोटे टुकड़े किए हैं ये सारी जगह पे आ जाए। ये जितना मतलब आपके पास हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, इसकी कोई क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि ना अभी क्योंकि ये है ऑर्गेनिक वेस्ट है तो इसमें स्मेल वगैरह भी काफ़ी है, तो अब ये जब हम इसके ऊपर ये ड्राई वेस्ट डाल देंगे उसके बाद हम इसके ऊपर लेयर डाल देंगे सॉइल की, तो ये चीज़ हमने अभी करनी है। इसको मैं अभी बताता हूँ, तो ये मैंने ना लेयर डाल दी हुई है ड्राई वेस्ट की, मतलब जो अपना रद्दी का होता है कागज़ वगैरह अखबार वगैरह, तो अब इसके ऊपर मैं जो हमने मैंने लास्ट टाइम भी कंपोस्ट तैयार की है उसका थोड़ा सा ना लेके हम सॉइल लेके इसके ऊपर हम लेयर बना देंगे, तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव होते हैं तो ये इजीली हो जाएगा। और ये जो है ये अभी मैंने लास्ट टाइम जो गमले से निकाला था ये वो वाला है, इसकी भी हम एक लेयर बना देंगे ताकि वो इजीली हो जाए। ये थोड़ी सी मतलब ज़्यादा हो गई है मिट्टी, लेकिन बहरहाल इसमें पहले भी ऑलरेडी वेस्ट मौजूद था तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपने मतलब इस तरह कर देना इसको, तो ये अब खुद ब खुद ही डिकम्पोजिशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा है कि ना अब जब आपके पास दोबारा वेस्ट इकट्ठा हो जाए तो आपने इसी के ऊपर ही जो सा अपना वेस्ट डाल देना है जो आपका किचन वेस्ट है
वो आपकी जितनी भी बनेगी उसका डाल के उसके बाद आपने ऊपर ड्राई वेस्ट के तौर पर आपने कागज़ वगैरह डाल देने हैं जो आप रद्दी होती है, और उसके बाद फिर आपने 1 से 2 इंच की लेयर लगा देनी है। लेयर लगाने से ये चीज़ होती है कि अब जो इसकी स्मेल है ना वो अब रुकी हुई है, स्मेल नहीं आ रही है, तो ये उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि मोस्टली जो है घरों में प्रॉब्लम ये होता है कि वेस्ट पड़ा हो तो उसकी स्मेल होती है, तो आप इस तरह इसकी लेयर लगा देंगे तो उसकी स्मेल नहीं आएगी। तो आपने इसकी लेयर बना लेनी है ना मिट्टी की और उसके जो है ड्राई वेस्ट की, तो क्योंकि अभी ये वैसे मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला क्योंकि ये ऑलरेडी ही गीली मिट्टी है, लेकिन फिर भी आप ना इसको जब आप कर देंगे तो आपके पास सूखी मिट्टी हो तो आपने इसके ऊपर हल्का हल्का पानी छिड़काव कर देना ताकि वो मिट्टी वैसे बैठ जाए, बिल्कुल हल्का हल्का करना है। तो उस ये चीज़ आपने भी कर लेनी है ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी हो जाएगी। अब उसके बाद आप इसके ऊपर कुछ भी कवर करने के लिए इसको आप जैसे मैंने भी ये मेरे पास पुराना पीसी पड़ा हुआ था सी पी उसका ये है, मैंने इसको यूज़ कर लिया हुआ है, तो उसमें यह है कि ना साइड से क्रिएशन वगैरह भी हो जाती है तो उसमें ज़्यादा मसला नहीं होता। अब ये है कि नेक्स्ट स्टेप, अब मेरे पास 1-2 दिनों का वेस्ट हो जाएगा तो मैं उसमें तो दोबारा हटा के इसको हिला के ताकि ये जो सा है मटेरियल है ये मिक्सअप हो जाए, उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर लेयर लगा दूँगा। तो हमने इस तरह मतलब लास्ट टाइम जो वेस्ट था उसको हमने उसकी डिकम्पोजिशन की थी, और तो अब यही है कि अब मेरा जो इरादा है उसको जो अब तैयार हुआ है सॉइल तैयार हुई है उसको मैं यूज़ करूँगा सब्जियाँ लगाने के लिए या फिर अपने गमलों वगैरह में फूलों वगैरह के लिए।